हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मैं यार किचन में बनाने वाली हूँ सूजी का मोहन भोग। सूजी या रावा का मोहन भोग देखने भी बहुत ही सुंदर होती है और खाने भी बहुत ही सुंदर होती है। हमारा घर में जो मंदिर है तो भगवान जी के प्रसाद के लिए मैं यहाँ से बनाऊंगी। जो रावा मैं पहले बनाई नहीं थी उसमें मैं यार मोहन भोग तैयार कर रही हूँ। उसके अंदर मैं थोड़ी दूध डालकर अच्छा से पका लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी मिल्क पाउडर भी ऐड कर लूँगी। मिल्क पाउडर से और भी अच्छा टेस्ट और टेक्सचर बहुत सुंदर होती है, इसलिए मैं मिल्क पाउडर ऐड किया है। थोड़ी देर से इसके अंदर डालूँगी शक्कर या चीनी, इसमें मीठा बढ़ा देंगे। इसके बाद मैं जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखी थी आमंड काजू इस सब मैं डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स ऐड करके बहुत ही सुंदर टेस्ट आती है, इसलिए अभी ये लगातार चलाते हुए भुनेंगे। और फ्लेम मैं मीडियम ही रखी हुई, बिल्कुल ही तेज फ्लेम में नहीं चलाऊंगी। अभी तो इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है। अभी मैं कुछ इलायची का पाउडर ऐड करूंगी, इसमें बहुत ही खूबसूरत खुशबू और टेस्ट दोनों ही आएंगे। और थोड़ा कस्तूरी भी ऐड करूँगी, कस्तूरी से खुशबू ज़्यादा बढ़ती है। और इधर कुछ पिस्ता बादाम मैं ऐड करूँगी, पिस्ता से अच्छा लगेंगे। और कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड किया है, हमारा घर में जो था वही मैं ऐड किया। अभी कुछ चेरी वगैरह ये सब भी मैं डाल दूँगी। आपका घर में जो जो ड्राई फ्रूट्स है आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत मोहन भोग पक जाती है। हमारा मोहन भोग कंप्लीट रेडी है। अब ये ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं सर्व करूँगी खाने के लिए। आप लोग भी घर पर ऐसे बना सकती है कोई पूजा या त्यौहार के दिन में या कोई जन्मदिन में भी इन प्रोग्राम से आप अभी ठंडी हो चुकी, ऊपर से मैं कुछ खोआ खीर ऐड किया है और भगवान के प्रसाद के बाद मैं ये सर्व किया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ रहेंगे और बेल बटन प्रेस कीजिए पहले नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय।